एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित हरसिंहपुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान नूरजहां हैं। लगभग 5500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। लगभग 2450 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 460 राशन कार्ड धारक हैं। साथ ही गांव में 10 विधवा पेंशन, 5 वृद्धा पेंशन व 1 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 330 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप गाँव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 15 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 11 सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसीटाइज रोड, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं जुम्मा खां, प्रधानपति, ग्राम पंचायत हरसिंहपुर, ब्लॉक असमोली, तहसील व जिला संभल। मेरे ग्राम पंचायत में जो धनराशि अब तक सरकार द्वारा आ चुकी है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, उसका मैंने अच्छी तरह से विकास किया है। सड़कें भी डलवाई हैं, कुछ नल रिबोर कराए हैं और 2 आवास भी बन रहे हैं, शौचालय भी बनवाए हैं, स्कूलों में शौचालय भी बनवाए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत के लिए और ज़्यादा धनराशि दी जाए ताकि मैं उसका सभी का अच्छी तरह से विकास करा सकूँ ग्राम पंचायत का।